इधर भी बैठूंगी क्योंकि दरबार दरबार इस साइड लगता था है ना, तो वो यहाँ से देखे होंगी राजा पार वहाँ पे बैठता था और जहाँ से मुझे लगता है रानी वगैरह बैठती होगी वो भी। पूरा मुझे ये लगता है जो अच्छी अच्छी चीजें ना जो लोग गाते हैं जो मुझे बड़ा गंदा लगता है वो लोग जो ऐसे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जब भी आप ऐसी जगहों पे जाओ, ऐसी जगहों में जो भी किसी भी जगह जाओ, ये नाम आप लिखा करो हेलो, क्योंकि ये हमारे पुराने लोगों की याददाश्त है जो हम दिखाते हैं लोगों को, लोग आते हैं देखने क्या देख वो क्या सोचेंगे। लेकिन हमने उधर बोला वो पोर्शन छोड़ ही दिया देखना। चेंज रहेगी हाँ, उसके आधी रहेगी बिल्कुल। ये तो वही है जहाँ से हम निकले थे नीचे, ये वही जगह है। एक ये कमरा भी है जो जब दिखाया था ना मैंने आपको रामनगर का, वो इस जगह पे मैं बैठा था, यहाँ से आपको दिखा रहा था रामनगर का। अब मैं आ गया यहाँ पे इस जगह पे इस साइड पे, ये देखो ये वो मंदिर है जहाँ पे हम पहले गए थे। ये वहाँ पे पुजारी अभी बैठे हैं जिससे मैंने बात की थी उस वक्त। ये वो मंदिर है और ये इससे टॉप है इसका, यहाँ से मेरा पैर एक नहीं लगता यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा। साथ में तीन चार जगह और भी है, एक नरसिंह मंदिर है हाँ। इधर हो गया है ये जो नरसिंह मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा ये इसका बोला जाता है कि जो यहाँ के पंडित थे ना हाँ। तो उनकी और राजाओं की कुछ हो गई बात। अच्छा तो उन्होंने क्या किया, वो पंडित को मरवा दिया था राजाओं ने हाँ, उनका अपना चलता था। लेकिन उसको ये हो गया था कि दिमाग में कि मैं जिसकी पूजा कर दूँ वो रहेगी। अच्छा मतलब उनकी पूजा आप कौन करेगा। अच्छा तो उसको वो उसी की बीमारी लग गई उनका वो पीछे राजा को। अच्छा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा पंडितों को कि बड़े बड़े की क्या बात है। उस टाइम पे उनको पता चला कि जो पंडित मरवा दिया था उसको टेंशन बढ़ी है अपने नरसिंह की। अच्छा तो उनका मंदिर बनना चाहिए। अच्छा। तो फिर जब उसको बुलाया गया तो वो पहाड़ों में करता था। अच्छा तो पहले अभी मूर्तियां बनती है पहले पत्थर ही होते थे ऐसे, उसको वो मिल गया। अच्छा फिर राजा ने वो मंगवाया लेकिन वो इधर से 3 किलोमीटर आगे। अच्छा उनके घर में है अभी। अच्छा वो उनके घर इधर नहीं आए। अच्छा वो नहीं इधर थे, वो इधर नहीं आए। अच्छा फिर राजा ने बहुत जब माफिया मांगी तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तो ये शक्ति तो दूंगा, ये वही मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। शक्ति तो दूंगा, हर मनोकामना पूरी करूंगा लेकिन यहाँ पे मैं नहीं आऊंगा, वो यहीं पे है अभी। अच्छा अच्छा वही है जहाँ पे नहीं, वहाँ से आगे थे, यहाँ से 3 किलोमीटर। अरे वही 3 किलोमीटर रास्ते में आगे वहीं पे उधर से आगे नहीं आए। अच्छा 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 उसके बाद आया ही नहीं उनके हाथ। अच्छा 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 वो वहीं पे अंदर तपस्या करता था। उसके बाद वो जो लोगों ने देखा ना कि ये अंदर बाहर आता है ये कहाँ पे रहता है, उसके बाद फिर लोगों को पता चला था फिर उधर जाने लगे। फिर वो उसके बाद तो चला उस पर क्यों नहीं गए हम, वो बंद है ऊपर। महल को पुराना महल कहते हैं। अब जो नीचे था जो पहले सबसे पहले वो शीश महल, ये पुराना महल और वो नवा महल, अभी हमने नवा महल में जाना। चलो डोगरी में बोला जाता है नवा। हाँ ये नवा मीन नया महल है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर क्या, इसीलिए उसका नाम भी रिटन में। अच्छा किताबों में भी नवा महल ही है। देखो देखो जी इधर से कभी राजा महाराजा चलते होंगे जहाँ से आज हम चल रहे हैं, आज हम चल रहे हैं हजारों साल के बाद और कोई चल रहा होगा हाँ। निकले बाहर, अब हम पुराना महल से निकल के नवा महल की तरह निकलेंगे। इसमें ताला लगा, बहुत सारे कमरे जो हैं बंद हैं। ये आपके बंदे हैं हाँ। कितने बंदे हैं आप यहाँ पे, वो मिली उधर आपके रानी को ढूंढ रहे थे उधर ऊपर हाँ। अब ये नवा महल है, ये नवा महल सबसे बाद में बना है, ये दरवाजे उसी दिन के तभी के।
अच्छा, क्योंकि ये पुराने जमाने, ये मैंने भी देखे हैं ये वाले दरवाजे ना। ये नवा महल है, बाकी तो ये ऐसे कमरे कमरे ही है। ये नौ, हाँ ये जो पेंटिंग वगैरह है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सफाई भी है और पूरी अच्छी तरह से, देखो देखो पुरानी पेंटिंग अभी भी उस जमाने के ऊपर है। नीचे से उन्होंने रिपेयर करना तो वो कर दी है, क्योंकि नीचे से उठ गया था ये, लेकिन जहाँ जहाँ पे पुराना है वो इन्होंने वैसे ही रखा हुआ है। जहाँ जहाँ ये पेंटिंग नहीं आपको दिखाई देती वो रिपेयर किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर, ये देखो। ये अंदर जाते जो पता ही नहीं रहे, ये सारे मुझे लगता है रिपेयर किया हुआ है। हाँ, रिपेयर तो सारा ही ठीक है। अब हम इतना थक गए 2-3 घंटे से हैं, अब हिम्मत भी नहीं है। यहाँ से खिड़कियाँ वगैरह हैं, ये बाहर के लिए खुलती हैं। अब ये क्या दरवाज़ा इधर अंदर क्या है? अजी? अंदर क्या है? वो रख देते हैं, इसकी वजह से बंद कर देते हैं। ऐसे मिट्टी के बर्तन थे ना, जैसे वहाँ पे दिखाने के लिए रख दिए हैं, बस वैसे। तो वो फिर आते हैं इनके वो रिसर्च के लिए और इनकी पढ़ाई के लिए। अच्छा अच्छा, देखो पौड़ी के मुश्किल से मैं टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूँ यहाँ से, इतनी छोटी है यहाँ। ये नवा महल की साइड है, वो वाला पुराना महल है, अभी तक हम उधर थे, चढ़ा था ऊपर यहाँ बीच में से, यहाँ से आया था। ये है एक बंदा जो हमें बता रहा है कहाँ पे क्या है, वैसे इसको भी इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब भी बेचारा गुजारा जिस कर। यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा चलना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल वो फंस गया यार, मुझे टेढ़ा होने दो तेरी। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा बंदा कोई जाएगा ना, यहाँ पे दरवाजा खिड़कियाँ शर बंद है कमरे तकरीबन। चलो इसको यहाँ नीचे भी कोई कमरे शमरे लग रहे हैं, देखो यहाँ से हाँ, इसको कहाँ से जाते हैं? देखो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिंग, वो सारी पुरानी पेंटिंग है ये देखो उस जमाने की। और यहाँ पे देखो जहाँ पे ये वाइट है ये इन्होंने ठीक कर दिया है, लेकिन इस साइड में है पेंटिंग, देखो। ये एक और कमरा, ये वही बुखारी है जो मैं बताता था कि सर्द में जलाते हैं तो गर्म कमरा हो जाता है। और ये यहाँ से बाहर का व्यू, देखो नमाज भी आ गई, असर की नमाज चल रही, ये है चीज़ ज़बरदस्त देखने की। ये देखो यहाँ से हम अंडरग्राउंड जाएंगे, भूत छूत तो नहीं होंगे अंदर? ये देखो यहाँ से भी बाहर का, तो ये है नीचे का लाइट, या लाइट लाइट जलाना। ये देखो जी ये अंडरग्राउंड है, मुझे लगता है ये सर्जी वगैरह में यूज करते होंगे, क्योंकि ये जो मैं अभी दिखा रहा था ऊपर से ना, यहाँ नीचे भी कमरा होगा, ये वो हम उधर ही आ गए, ये इधर से दिखा रहा था मैं, ये वही कमरे हैं। एक ही है बड़ा सा, क्या मेहनत करते थे वो यार। पसीना फट गया, 2-3 घंटे हो गए हमें यहाँ पे आए हुए। ये बुखारी है, यहाँ राजा रानी कभी कभी ये कुछ करते थे, आग जला के बैठते थे। चीज़ है ना, ये मैंने हर एक जगह देखी सेंटर में। अच्छा तुलसी के इसमें लगाते थे वो, उसमें देखो जी मुझे लगता है तब तक ये बुखारियों का आम हो गया था, यहाँ पे भी वो बुखारी बनी है इसकी, उसमें पढ़ रहा था
उसमें दिया था ये तीन चार ना जो पेड़, ये तुलसी नौ महल ये पुराना और ये पुराना था ये रिपेयर किया, लेकिन कमरे का वो नया किला है, नया क्या बोलते हैं नवा महल, और ये पुराना महल, ये बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ मैं फास्ट वॉक में, तीन चार घंटे। ये जी इनकी दीवारें हैं, ये देखो बाहर से, ये देखो वहाँ से पौड़ी भी रखी है, इधर से भी निकलते थे। ये पुराना किला है, ये है ना, आप उधर बाजार से ले जाओगे ना गाड़ी, वहाँ से किसी को भी रास्ते में पूछे ना आश्रम को ले जाए, ये आश्रम कौन सा है, ये जहाँ पे गाड़ी लगी है, हाँ इसके अंदर है और बहुत अच्छा देखने को भी, वहाँ पहले खड़े खड़े पहले तो सिर्फ ये पहाड़ पहले बंद कर फट गया, वो जो फट गया ना अपना। ये है जहाँ पे वो करते थे पूजा वगैरह, कौन ऐसे साधु थे, साधु मंत्र, यहाँ पे एक गुफा है, उस टाइम में एक सिर्फ गुफा थी, गुफा थी वो सिर्फ गुफा के अंदर, गुफा के अंदर तपस्या करते, फिर ये बाद में बन गया, ये जो मैं मतलब ये आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, चले गए जब, तो उसके बाद लोगों ने फिर क्योंकि यूनी के एरिया को पूरा कर दिया, जब यहाँ पे राजा वगैरह बैठते थे। ये है किला, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ किला, आपको दिखा रहा हूँ नया है, तो इसके जो ये बिल्कुल साथ में देखो, ये किला है, इसके बिल्कुल पीछे बीच में से बड़ी जगह है, तो यहाँ पे गुफा थी, जो गुफा में साधु वगैरह जो थे तो वो वहाँ पे पूजा वगैरह करते थे, लेकिन बाद में मंदिर को जब वो चले गए उसके बाद ये मंदिर बना है वहाँ पे, तो किसी ने भी आना होगा, इस जगह का नाम क्या है, इस मंदिर का आश्रम कुंड, आश्रम कुंड इसका नाम है, आश्रम कुंड, आप यहाँ भी जब रामनगर आ सकते हैं यहाँ आश्रम कुंड में जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तपस्या हुई है, साधु बहुत बड़े बड़े साधु रहे उस दौरान के, तो अंदर बहुत बड़ी गुफा है, कितनी बड़ी गुफा है, छोटी है लेकिन मतलब उनको, कितने लोग बैठते थे उसमें, वो एक ही बैठता था, अच्छा एक ही साधु था जो इसमें करता था, ये वो है, उसके बाद अभी तो बहुत सारी जाते हैं, हाँ तो उसके बाद ये बनना है मंदिर, अभी किसी कुछ ये जो है देखो, पानी निकलने के लिए भी बनाया हुआ था, ऊपर से जो पानी छत पे पड़ता वो इधर से निकलता था, इसको चारों साइड से है, ये लान जैसा टाइप का जो एक किला है, तो बिल्कुल चारों साइड हम उधर से चल के आए हैं, ये इसका बाहर के हिस्सा देखो, यहाँ से भी दरवाजा जो अंदर से बंद रखा हुआ है, बाहर से भी बंद था, अंदर से भी हमने देखा था बंद ही है, ये देखो ये बिल्कुल नज़दीक है, हाँ ये है वो नरसिंह मंदिर जो मैं आपने पहले भी दिखाया था, ये जो इसके बारे में बहुत कुछ बता रहे थे यहाँ पे कि कैसे राजाओं ने क्या किया था, तो थोड़ा बहुत तो मैंने इसमें लिख इसमें डाल दिया वो, ये है, और सुनने में आया था तो राजा के लिए राजा इधर से ही जाता था, जो मुझे लगता है ये है इस जगह से शायद जाता था नीचे इस मंदिर के लिए, तो ये तो बाद में बना है, पर तब होगा उस टाइप का ही मंदिर जब राजा होते थे उसी तरीके से होगा कुछ, ये इसका बाहर का हिस्सा है। पुजारी साहब कहते थे ना हमें कि राजा के लिए इधर से ही इस नरसिंह मंदिर के लिए, ये मुझे लगता है ये वाला रास्ता है, ये यहाँ से ये पौड़ी जो है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ पौड़ी है, ये भी पौड़ी है यहाँ से, ये देखो वो नरसिंह मंदिर में नहीं बनी है, ग्रिल नहीं बनी है, ग्रिल वगैरह जो नई बनी है, लेकिन इसके साइड से ये भी पौड़ी है, और ये जो है ना ये भी किला ही था, क्योंकि अब इसमें ये सारे किला था, ये कोर्ट वगैरह नीचे कोर्ट बना है, ये बना है, ये सारे अभी ये कर रहा इनको उधर बाद दूसरी बिल्डिंग बन गई, कितनी सफाई, जो मैं कहता हूँ ना इस जगह की कितनी सफाई है, सच में बहुत है, देखो काम कर रहे हैं इस वक्त भी लोग हैं, देखो कितना ज़बरदस्त है, साफ सुथरा बिल्कुल चारों साइड से देख सकते हो आप, ये देखो कहीं थोड़ा सा भी बिल्कुल, देखो फूल लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत फूल लगे हैं यहाँ पे, यार इस किले ने तो मेरा दिल ही जीत लिया, कितना ज़बरदस्त।
मगर मैं खिलाड़ी कुलचा लगे खाने, यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर है रामनगर में खिलाड़ी कुलचा जो इस दुकान पे बनती है। ये देखो जी खिलाड़ियाँ, हमने खिलाड़ी कुलचा खाया। ये रामनगर का बहुत ही मशहूर दुकान है जी, मशहूर मशहूर भी होती है, मशहूर खिलाड़ियों के साथ ये सिक्के भी देते हैं फ्री में, यहाँ पे आ सकते हो क्या भाई? ठीक है, आपका नाम क्या है? विकास गुप्ता। जिसने भी आना हो विकास गुप्ता जी की दुकान पे आए और ये खाएं, मजे करें। हम निकले जी रामनगर से उधमपुर की ओर, टाइम हो गया क्या भाई? टाइम 5:15 बज गए और यहाँ से सूरज ग्रूब होने लगा है। देखो जी मैं, ये देखो जी सूरज ग्रूब होने लगा है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे हरीश जी हैं और ये हैं हमारे लीडर आने वाले वक्त के तिलकराज जी। तो अब हम निकल रहे हैं उधमपुर की ओर, तो बाकी उधमपुर पहुंच के आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। पहले जो थे ना, जो देखो जी ये रास्ते का एक नज़ारा जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।